डियरूडेंट्स वेलकम मैं चल डॉक्टर अजय शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी गवर्नमेंट भागड़ कॉलेज डीडवाना साइकस पढ़ रहे थे हम साइकस का आज थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमने या एनमार्फोलॉजी हमने शुरू करी हुई थी डिफरेंट ऑर्गन्स की साइकस की तो कोरलाइड रूट के बाद नेक्स्ट हमको जो एनाटमी पढ़नी है एनमार्फोलॉजी पढ़नी है दैट इज़ रूट रूट नॉर्मल की तो ओल्डर रूट शो सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मल रूट जो है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है कैम्बियल रिंग इज इनिशिएटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड कंप्लीटेड बाय डिफ्रेंशिएशन इन इनर लेयर ऑफ पेरीसाइकिल एडजस्टिंग टू प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स देखिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है रूट में ये आगे डायग्राम भी है उसमें समझाऊंगा लेकिन आप पहले पढ़ लें जो रूट है कोई भी रूट है हमारी यहाँ तो हम जाइलम की इसकी साइकस की बात कर रहे हैं रूट में आपने पढ़ा पढ़ा पढ़ रखा है मैंने शुरू में भी आपको बताया था क्या अंतर होता है कि और फ्लोयम अपने अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं रेडियल होते हैं और एग्जार्च होते हैं यानी कि इनका प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है तो यहाँ ये यह बताना चाह रहा है कि जो प्रोटोजाइलम है एलिमेंट उसके सामने की सेल और फ्लोयम के अंदर की नीचे की सेल वो मेरिस्टमेटिक हो जाती हैं जिससे एक कंप्लीट कम्पी, कंप्लीट जो है कैम्बियम का रिंग बनता है उस कैम्बियम रिंग से सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये जो है हमेशा सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है कोई भी द्वितीयक वृद्धि हो सेकेंडरी ग्रोथ हो उसमें जब कैम्बियम का रिंग बन जाएगा तब तक दोनों की स्थिति कैम्बियम बनने की रूट और स्टेम में स्थिति अलग अलग होती है कि कैम्बियम कहाँ बनना है लेकिन बनने के बाद जब द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होगी तो कैम्बियम हमेशा अंदर की तरफ तने के या जड़ के केंद्र की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है और परिधि की तरफ बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है द केम्बियल रिंग सेल्स आर मैस्टमेटिक एंड एड सेकेंडरी जाइलम टू द इन साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स कॉर्टेक्स एलोंग साइड फेलोजन डेवलप्स इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिलो द इपिडर्मिस जो इंडोडरमिस के बाहर कॉर्टेक्स होता है और सबसे बाहर आप देखेंगे इपिडर्मिस होती है तो कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्क कैंबियम विकसित होता है जो आ, भार की तरफ कॉर्क और अंदर की आ, जो है कॉर्क सेल्स बनाता है और अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है फेलोडर्म बन के ये फेलोजन बनती है ये आ, इतनी आपको डिटेल में अभी इसकी नहीं जाना है और लेंटिसल्स आर डेवलप्ड इन ओल्ड रूट्स जो पुरानी कोशिकाएँ जड़े हो जाती हैं बहुत उनमें वातरंध्र बनते हैं लेंटिसिल क्या होता है वातरंध्र होते हैं इसमें जैसे स्टोमेटा होता है स्टोमेटा तो में तो गार्ड सेल्स होती हैं रंध्रों में लेकिन यहां पर लेंटिसिल ये खुले हुए छिद्र होते हैं जिनसे आदान प्रदान वाटर का सॉल्वेंट्स का आदान प्रदान होता रहता है लगातार इसमें कोई बंद होने की स्टोमेटा या खुलने की वो नहीं होती केवल छिद्र होता है पार्क में या छाल में देखिए ये कोई नॉर्मल रूट है तो इसमें एक तो बताया था मैंने आपको कि कोई भी जड़ हो वो ये डायग्रामेटिक रूट बना हुआ है उसमें जाइलम ये जाइलम है और फ्लोएम अपनी अपनी रेडियस पर होते हैं ठीक है अब एग्जाट कंडीशन है यानी कि प्रोटोजाइलम ये है बाहर और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है ये देखिए ये प्रोटोजाइलम बाहर परिधि की तरफ और केंद्र की तरफ है कंडीशन कहलाती है एग्जार्ट कंडीशन तो जब द्वितीयक वृद्धि होनी है तो इस प्रोटोजाइलम के सामने की कोशिकाएं ये मैरिस्टमेटिक होती हैं फ्लोएम के नीचे ये कोशिकाएं मैरिस्टमेटिक होती हैं और ये मिलकर एक रिंग बना लेती हैं चारों ओर ये आपका कैम्बियम का रिंग बन गया क्या बन गया कैम्बियम इस कैम्बियम रिंग से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है इस तरीके से और बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है इसी के साथ साथ क्या होता है जो ये बाहर का पोर्शन है ये वाला पोर्शन जो है ये कॉर्टेक्स है और बाहर एपिब्लेमा है या एपिडर्मिस है इस कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम बनता है और ये बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है जो फेलोजन और फेलोडर्म की हमने बात करी थी इस तरीके से द्वितीयक वृद्धि होती है इस रूट में ये आ, साइकस की नॉर्मल रूट के अंदर है तो ये जो डायग्राम आप यहाँ देख रहे थे ये तो यंग का है बिल्कुल यंग रूट का डायग्राम है ये नॉर्मल और आगे फिर हम सेकेंडरी ग्रोथ भी देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ मैंने बता दी आपको किस तरीके से होती है नॉर्मल रूट के अंदर इसके बाद तना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो रूट की हमने आपसे एनोटमी डिस्कस कर दी बहुत कम पूछी जाती है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए तना कैसा होता है शो इरेगुलर आउटलाइन ड्यू टू प्रजेंस ऑफ लीफ बेसिस देयर फॉर ई पी डर नॉट ए कंटिन्यूस लेयर मैंने बताया था कि जो तना है सिलेंड्रिकल है पूरा अनब्रांच है अशाकित है उसके ऊपर जो लीव्स लगी होती हैं उनके बेसिस लगे रह जाते हैं जिसकी वजह से ई पी डरमिस एक लगातार लेयर के रूप में नहीं पाई जाती है इसके बाद ब्रॉड कॉर्टेक्स ट्रेवर्स बाई सिंपल एंड गर्डिल लीफ ट्रेसेस जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर आपको सिंपल और लीफ के वास्कुलर बंडल की ट्रेसेस ट्रेसेस जो होती हैं जो शाखा वास्कुलर बंडल की या संवहन तक की लीफ में जा रही है उसकी ट्रेस यहाँ दिखाई देती है कि यहाँ से कट की गया है इसके अलावा बहुत सारी म्यूसिलेज कैनाल्स स्ट्राच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नैरो जोन ऑफ वास्कुलर टिश्यू हैविंग ओपन इन डार्ज वास्कुलर बंडल्स रेंज इन ए रिंग एंड रिंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वाइड मेडुलरी रेज सेंटर के बीच में छोटा सा क्षेत्र होता है जो ऊतकों का होता है ऊतक ग्रुप में कई सात आठ नौ वास्क जो ऊतक हैं बंडल हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं कैसा है कॉन्जॉइंट है यानी कि एक ही बंडल के अंदर संयुक्त है कॉन्जॉइंट मीन्स संयुक्त एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं ओपन है यानी कि उनमें कैम्बियम है ओपन का मतलब होता है जब कैम्बियम प्रेजेंट हो तो ओपन और एबसेंट हो अनुपस्थित हो तो क्लोज कहलाता है इंडार्च आपने रूट में देखा था वो एग्जास्ट कंडीशन थी यानी कि उसका प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ था स्टैम्प में देखेंगे तो रिवर्स कंडीशन होती है यही एक मेन पहचान होती है जड़ और तने की तने के अंदर इन कंडीशन होती है यानी कि प्रोटोजाइलम तने के केंद्र की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है ये वास्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज्ड हैं और एक दूसरे से मज्जा किरणों से या मेडुलरी रेस जिनको बोलते हैं चौड़ी चौड़ी मेडुलरी रेस से अलग होते हैं सेंटर में लार्ज पिथ है पेरनकाइमेटस जो पेरनकाइमेट सेल्स की बनी हुई है पिथ इज़ लार्ज कैनाल तो और स्टार्च ग्रेन यानी कि मंड के कण पाए जाते हैं ये देखिए ये नॉर्मल यंग स्टेम की संरचना है देखिए बाहर इपिडर्मिस है इपिडर्मिस में से ये लीफ स्कार्स ये लीफ स्कार लिखा है ऊपर सबसे यानी कि जो पत्ती आ, लगी हुई थी उसका आधार चिपका रहता है तो वो स्कार कहलाता है या उसको गिर जाएगी तो उसका निशान रहेगा वहाँ पर तने के ऊपर और उस लीफ में जो वास्कुलर बंडल गया उसकी ये ट्रेसिस हैं लीफ ट्रेसिस साथ में इस कॉर्टेक्स में म्यूसिलेज डक्ट है दिस इज म्यूसिलेज डक्ट ये छोटी छोटी जो लाल आपको गोल दिखाई दे रही है ये आपको पिथ में भी दिखाई देंगे म्यूसीज डक्ट और साथ में क्या दिखाई देगा स्टार्च है स्टार्च पूरे में पाया जाता है अब वास्कुलर बंडल देखें देखिए ये एक वास्कुलर बंडल है ठीक है कितने सारे हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस वास्कुलर बंडल यानी कि आठ से तो ऊपर होते ही होते हैं एक रिंग में अरेंज होते हैं तने के अंदर कौन जॉइंट है देखिए ये बाहर जो डॉटेड है ये फ्लोएम है इसका गोल जो दिखाई दे रहा है आपको और अंदर जो ये लाइनों में दिखाई दे रहा है ये कैम्बियम है बीच में जो ये खाली लाइन है ये इसके अंदर कैम्बियम होता है ये जाइलम, कैम्बियम और फ्लोएम तीनों चीजें एक ही बंडल के अंदर पाई जा रही हैं जब वास इसमें कैम्बियम है तो ये ओपन है कॉन्जॉइंट हो गया ओपन हो गया अब इन डार्स कंडीशन ये देखिए ये नेरो यहाँ जा रहा है ये प्रोटोजाइलम है और ये बाहर की तरफ इसका मेटाजाइलम है तो ये एग्जास्ट कंडीशन हो गई ठीक है और दोनों वास्कुलर बंडल्स के बीच में ये मेडुलरी रेस थी ये सेंटर में पिथ है इसका ठीक है तो फ्लोयम केम्बियम और जाइलम ये तीनों वास्कुलर बंडल आपको यहां लिखा हुआ है वास्कुलर बंडल कैसा है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कोलेट्रम मानी बहु बही पोषवाही जिसको बोलते हैं यानी फ्लोएम बाहर की तरफ है कोलेट्रल कॉन्जॉइंट uh, हो गया कोलेट्रल हो गया संयुक्त भाई पोषवाही और ओपन खुला हुआ एंड एक्सार्च सॉरी इंडार्च ठीक है ये वास्कुलर मंडल स्टेम में पाया जाता है ये हमारा यंग नॉर्मल स्टेम था पीछे अब इसके बाद ये देखिए ओल्डर स्टेम दिखाया गया है इस ओल्डर स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ और जो वुड है वो मोनो मेनोजाइलिक प्रकार की है यानी कि सही बहुत गुठी हुई होती है क्योंकि ये ज़्यादातर जो है जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं तो बहुत छोटा छोटा ज़ाइलम का एलिमेंट होता है ये देखिए लाल जो रंग से दिखाई दे रहा है इसमें और उनके बीच में वाइट मेडुलरी रेज होती हैं जो ये लाइट कलर की वाइट वाइट रेज हैं ये मेडुलरी रेज है ये जाइलम है जिसपे ट्रेकिड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना ये सब जाइलम है जो डार्क कलर से स्टेन हुआ हुआ है, लेकिन बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं का बना है, जिसको बोला गया है। तो, पीछे की स्लाइड से आपको दिखाएं कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है द्वितीय वृद्धि आपने की देख ली तने में क्या होता है ये जितने भी कैम्बियम है वास्कुलर बंडल्स के ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक कैम्बियम का कंप्लीट रिंग बन जाता है ये क्या बना कैम्बियम का रिंग बन गया इस रिंग से अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोयम बनता है अब आप एक बात हंड्रेड परसेंट ध्यान रखें एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और नीट कंपटीशन एग्जाम्स में तो बहुत ही पूछा जाता है कि जो आ, वास्कुलर कैम्बियम बन रहा है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर वो अंदर की तरफ सदैव सेकेंडरी जैलम बनाएगा और बाहर की तरफ सदैव सेकेंडरी फ्लोयम बनाता है ठीक है सेकेंडरी ग्रोथ आपको समझ में आ गई होगी अब इस स्टैम के बाद चीज आती है नेक्स्ट रैकिस रेकिस क्या है जो लीव थी ना साइकस की आपने देखा कंपाउंड लीफ थी इस तरीके की लीफलेट्स लगी हुई थी ये क्या है ये लीफलेट्स लगी हुई है पत्रक इसके बीच में जो ये पूरी एक संयुक्त पत्ती है इस पत्ती का जो ये बीच का आप डंठल बोल सकते हो हर लीफलेट में अलग डंठल है वो अलग चीज है लेकिन एक जो ये मीच में मोटी सी ब्रांच दिखाई दे रही है दिस इज रेकेस दिस इज रेकेस जिसको हम एनाटमी हम पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिकल और थ्योरी सब पॉइंट ऑफ व्यू से खाली डायग्राम थ्योरी में बनाने को आता है इसका ठीक है तो जो रैकिस हम पढ़ेंगे उसको अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको पूरी डिटेल जैसे रेकिस और लीफलेट की पढ़ेंगे तो दोनों साथ में सही रहेगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी रेकिस की स्टडी करेंगे और जो लीफलेट की स्टडी करेंगे थैंक्स इस वीडियो में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसके लिए मैं सभी ऑथर्स का आभारी हूँ इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं है थैंक्स